दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे देश में लगभग 7 में से 1 व्यक्ति को है। आज के खराब लाइफस्टाइल की वजह से यह बीमारी तेजी से उभर कर सामने आई है और मैं जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ वह है ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 करोड़ भारतीयों को अपने चपेट में ले चुका है। हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन एक तरह का साइलेंट किलर माना जाता है। कई लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं लेकिन यह शरीर को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर जितना लापरवाह रहेंगे, खासकर डाइट को लेकर, तो ये आपके लिए उतना नुकसानदायक है। भलाई इसी में है कि अपने आहार में हेल्दी डाइट को शामिल करो। आज मैं आपको ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने आहार में शामिल कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लहसुन को ब्लड प्रेशर कंट्रोल का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रण में रखना, इम्यूनिटी को सुधारना, बालों की देखभाल व स्किन को भी फायदा पहुँचाता है। लहसुन को पकाकर खाने में कोई बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन इस वजह से इसके कुछ आवश्यक गुण खत्म हो जाते हैं। आप लहसुन को काटकर उसे सीधे पानी के साथ खा सकते हो। रोजाना सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कलियां आप इसी तरह खाइए। लेकिन अगर आपको इसे कच्चा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे अपने फूड में मिलाकर इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसे काटने के बाद थोड़ी देर रख देने से यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से भी मिल जाता है जो शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। अनार खाइए। अनार में बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड मौजूद होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करता है। आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और आपके नसों में जो प्लैग जमा हो गए हैं, नसों में जो ब्लॉकेज पैदा करने वाले प्लैग जमा हो गए हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट की वजह से, उन्हें कम करते हैं। अगर आप रोज 1 कप अनार का जूस भी पीते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में तेजी से सुधार आएगा। आप जूस का सेवन खाना खाने के 1 घंटे पहले कीजिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, लेकिन रात को आपको अनार का जूस नहीं लेना है, आप दिन में खाना खाने के 1/2 घंटे पहले लीजिए। दूसरी चीज़ है केला। केले में बहुत ही कम मात्रा में सोडियम होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में बिल्कुल भी वर्जित है, और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा पोटेशियम आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा सोडियम यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलेगा। यानी कि जितना ज़्यादा पोटेशियम आपके शरीर में जाएगा उतना ज़्यादा सोडियम आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने का तरीका है कि आप अपने शरीर से सोडियम की मात्रा कम करें, और ये केला बखूबी कर सकता है। 100 ग्राम केले में 358 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इतना इनफ है आपके शरीर में बढ़े हुए सोडियम के स्तर को कम करने के लिए। अगला खाद्य पदार्थ है दोस्तों बीट रूट यानी चुकंदर। बीट में नाइट्रेट नामक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है जो आपके नसों को, जो आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में सक्षम होता है, रिलैक्स करने में सक्षम होता है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। इसलिए बीट को अपने आहार में शामिल करें, सलाद के फॉर्म में या तो फिर बीट का जूस बनाकर उसका सेवन करें, या आपके ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करेगा। आंवला हाई ब्लड प्रेशर को ही नहीं बल्कि कई बीमारियों को शरीर से दूर रखने में हेल्प करता है। आप 1 गिलास हल्के गर्म पानी में 1/2 चम्मच आंवला पाउडर को मिलाकर इसका रोजाना सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। आप सुबह खाली पेट नहीं कर सको तो कोई बात नहीं है, आप दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे पहले कीजिए। इतना ही नहीं, इसे शहद के साथ भी मिलाकर खाया जा सकता है। दरअसल शहद शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। आप आंवला पाउडर के अलावा आंवले के जूस को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। दोस्तों वैसी सब्जियां जिसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होती है वो भी खाने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही अच्छी तरह से कम होता है, और ऐसी ही एक सब्जी है पालक। पालक में पोटेशियम, फोलेट और मैग्नीशियम होता है, और ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में सक्षम हैं। इसलिए आप पालक को अपने खान पान में शामिल करें तो आपके ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कम करेगा। दोस्तों बाहर के खाने को अवॉइड करें, ऑयली चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, और नमक का सेवन जितना कम हो सके उतना कम करें, और हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। क्या इस वीडियो को 5000 लाइक्स मिल सकते हैं? अगर हाँ तो लाइक करके जरूर जाइएगा, आपका 1 लाइक हमारे पूरे टीम का मोटिवेशन अप करता है। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।